नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाशियो वर्कर और मैरिसमस का डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि बहुत कंफ्यूजिंग होती है अगर मैंने ये दोनों अलग अलग पार्ट में पढ़ाया आपको, तो आपको शायद इन दोनों चीज में कंफ्यूजन होगा जैसे मुझे मेरे लेवल पे हुआ था। ओके तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, हम आपको सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वाशियो वर्कर में मेन प्रॉब्लम होता है प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, ओके, बट कैलोरी का लेवल जो होता है वो सफिशियंट होता है। बट अगर मैरिसमस में देखा जाए तो स्टार्वेशन होती है इन्फेंट्स में, मतलब भूखे रहते हैं वो, और लैक ऑफ कैलोरी, तो इनको कैलोरी भी नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से लेवल के बच्चों को ये होता है। तो 6 months to 3 years के चिल्ड्रन को ये होता है, बट इसमें इन्फेंट्स है, तो इन्फेंट्स जो अंडर 1 year होते हैं उनमें होता है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये आप याद रखिए, 6 months to 3 years, मतलब 1 साल के अंडर वाले बच्चे को ये दोनों बीमारी हो सकती है, बट 1 साल के बाद वाला बच्चा होगा उसे सिर्फ ये वाली बीमारी होगी। ओके, ये बेसिक एक डिफरेंस है। फिर एक कॉमन चीज में आते हैं हम, इनमें जो होता है ग्रोथ फेलियर दोनों में हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन का डिफिशियंसी और यहाँ पर कैलोरी की डिफिशियंसी, बट डिफिशियंसी तो बेसिकली उस चीज की है जो बॉडी की मेन जरूरत है, तो जरूरत में दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों ही चीजों में ग्रोथ का फेलियर होना कॉमन है। ओके, फिर मसल वेस्टिंग में आता है यहाँ पे, तो वेस्टिंग ऑफ मसल यहाँ पे कॉमन है। वेस्टिंग ऑफ मसल मतलब जो हमारी मसल होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपना रोल भूल जाती है, वो अपना फंक्शन भूल जाती है। ओके, वो स्टिफ हो जाती है बेसिकली, बट यहाँ पे मसल ही नहीं, यहाँ पे टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और मसल तीनों चीज अफेक्टेड हो जाती है। आप इमेजिन करिए एक छोटा सा बच्चा जिसको खाने को नहीं मिला है। आजकल बहुत सारे हम सीन देखते हैं क्राइम सीन वगैरह, जहाँ पे छोटे बच्चों को डस्टबिन वगैरह में फेंक दिया जाता है या कहीं पर भी रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो एक चीज आप इमेजिन करिए कि बच्चा भूख से तड़प रहा है, उसे ये सारी चीजें नहीं मिली है, उस वजह से उसकी मसल बोन उसकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट होता होगा। तो ध्यान रखिए अपने घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको बराबर से न्यूट्रिशन दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज एडिमा। एडिमा जो होता है प्रोटीन डिफिशियंसी से ये इसमें कॉमन होगा, बट यहाँ पे एबसेंट है, तो क्वेश्चन वर्कर में प्रेजेंट है, मैरिसमस में एबसेंट है। ओके, नेक्स्ट कॉमन चीज होगी इन दोनों की चीजों की वजह से, दोनों में ब्लड की कमी आ जाएगी जिस वजह से एनीमिया कॉमन हो जाएगा दोनों में, सॉरी। ओके, फिर हम मॉर्फोलॉजी फीचर्स में देखें तो यहाँ पे जो फैटी लीवर हो जाता है एंड लार्ज हो जाता है, देखेंगे आप क्वेश्चन वर्कर का जो भी पेशेंट होगा, ओके, उसका जो टमी होगा वो बहुत बाहर तक निकला होगा, बट हाथ वगैरह आप देखेंगे तो बहुत पतले होंगे, तो ये एक साइन एंड सिम्टम आप देख सकते हैं उनमें। तो यहाँ पे फैटी लीवर होता है बहुत बढ़ जाता है, बट यहाँ पर फैटी लीवर की कोई भी साइंस नहीं दिखते। ओके,